हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक व्हाइट पास्ता रेसिपी जो आप बना सकते हैं विदाउट एनी चीज़। ये आप घर पे ही बहुत इजी तरीके से अपने घर पे जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उससे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए बॉयल्ड वाटर और उसके अंदर आपको देना है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम इसलिए देंगे जब हम पास्ता बॉयल करेंगे तब ये एक दूसरे से नहीं चिपकेगा, इसलिए हम पास्ता को 5 to 6 मिनट तक हाई फ्लेम में ही बॉयल कर लेंगे। बॉयल हो जाने के बाद हम इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे। फिर हम उसी कढ़ाई में दे देंगे घी और बटर। अब दोनों में से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। अब वो थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें दे देंगे स्लाइस गार्लिक पीसेस और उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो जाने के बाद उसमें हम दे देंगे 1 tablespoon ऑफ मैदा एंड 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट। फिर हम उसमें दे देंगे मिल्क। मिल्क आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें हम दे देंगे बॉइल्ड पास्ता। और पास्ता को हम बहुत अच्छे से इस सॉस के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और फिर उसमें हम दे देंगे 1/2 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर एंड रेड चिली फ्लेक्स। सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम दे देंगे स्क्रैम्बल्ड एग। फिर हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे 1 to 2 मिनट तक स्टैंडिंग टाइम के लिए। स्टैंडिंग टाइम ख़त्म होने के बाद आप इसे गरम गरम सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना ये कैसा लगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।